रंगोत्सव से सराबोर हो चुका है इंदौर, और इंदौर का गौरव जो पारंपरिक गैर है उसके हिंदरक्षक के जो जिस प्रकार से संचालन लगातार कर रहे हैं, पहले माननीय स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौर जी कर रहे थे, अब उनके सुपुत्र जो जिस प्रकार से लगातार कर रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो परंपरा है आ रही है, और इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी शरीक हो रहे हैं माननीय जी के आग्रह पर, क्या कहना चाहेंगे? ये राधा कृष्ण फाग यात्रा का गौरवशाली 27वां वर्ष है। 27 वर्ष पहले एक छोटे से संकल्प के साथ ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौर ने इसकी शुरुआत की थी। एक पीड़ा से इस यात्रा का जन्म हुआ था, जो होली का विकृत और अभद्र स्वरूप हो गया था उसको ठीक करने का बीड़ा उन्होंने उठाया था, और आज आप देख रहे हैं 27 वर्ष बाद ये एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो चुकी है। लगभग 150 से ज़्यादा स्थानों पर इस प्रकार की फाग यात्राएँ, 4000 से ज़्यादा स्थानों पर फाग उत्सव होने लगे हैं। संपूर्ण मालवांचल का होली का एक जो विकृत स्वरूप हो गया था वो आप सात्विक, पारंपरिक और धार्मिक मालवा की अगर जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगोरिया है वो देश विदेश में प्रचलित है, लेकिन इंदौर में हिंदरक्षक द्वारा जो 27 वर्षों से बैनर तले जो हर्बल कलर के साथ में, और जो वॉलंटियर्स हैं मैदान में उतरते हैं इसकी तैयारी करते हैं, और एकलव्य सिंह गौड़ जो है वो इसका पूरा संचालन करते हैं, क्या लगता है कि ये जो संचालन में कितनी मेहनत होती है, कितने वॉलंटियर्स? देखिए, एकलव्य सिंह गौड़ अकेले संचालन नहीं करते हैं, हजारों कार्यकर्ता बहुत अपनी परिश्रम और तपस्या इसमें लगाते हैं, जब जा करके ये जन आंदोलन में परिवर्तित हुई है यात्रा। और इसका मूल भाव यह है कि हिंदू समाज के प्रत्येक वो व्यक्ति जो किसी डर या भय के कारण घर में बैठा हुआ है इस दिन, वो घर में ना बैठे, वो सड़क पर आए और पूरे उल्लास और उमंग के साथ इस त्यौहार का आनंद उठाए, ये इस यात्रा का मूल भाव था। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, हर आयु वर्ग के लोग इसमें उत्साह के साथ शामिल होते हैं, और यही इस यात्रा की सफलता। इस यात्रा में जो एकलव्य सिंह गौर जी हैं सभी बहनों के लिए चीकू भाई कहलाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की व्यवस्था करते हैं। भैया जी, इस बार अगर देखा जाए तो क्या नया है और कितना, यानी कि उसमें क्योंकि आचार संहिता भी है, एक टोली भी कम है, और उसके ऊपर CM का प्रोटोकॉल भी है, तो कहीं मनोरंजन या उत्साह में कमी ना हो उसके लिए आपने किस तरीके? देखिए, CM साहब के आने से तो उत्साह दुगना चौगुना हो गया हमारा। सामान्य से आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद उनको देता हूं। और ये जो ये वर्ष है, लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, और 500 वर्षों बाद वो होली खेलने वाले, तो हमारा उत्साह 100 गुना बढ़ गया है। लोकसभा का कितना रंग देखने को मिल रहा है? ये चुनाव को ना जोड़े, इससे ये एक परंपरा है और इसको निभाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये जो परंपरा है और पारिवारिक माहौल में जिस प्रकार से यहाँ पर होली का उत्साह नहीं, यहाँ पर रंगों का उत्साह, जो परंपरा का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, और यही है कि लगातार जिस प्रकार से संचालन किया जा रहा है एक संगठन का, वो संगठन हजारों की तादाद में लोगों को संगठित रखता है एक उत्सव के लिए, उत्साह के लिए, और जो परंपरा का माहौल है, 72 साल हो चुके हैं इंदौर की गैर को, लेकिन 27 वर्ष से हिंदरक्षक संगठन इसे अपनी तरीके से कई हजार वॉलंटियर्स के साथ में लोगों को इस उत्साह के साथ में सम्मिलित कर रहा है, चाहे महिलाओं हो, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे यंगस्टर हैं, तो खास रूप से इसीलिए शरीक होते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी, कितना सुरक्षित फील करती हैं आप इस यात्रा? अच्छा फील हो रहा है मुझे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है आने में। और सर क्या कहेंगे, बुजुर्गों को भी लाया जाता है इस यात्रा? लाया जा सकता है इसमें, बुजुर्गों के लिए गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो भी आनंद ले। ये जो कुछ सजेशन है वो भी यहाँ पर दिखती है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर लोगों के लिए? बच्चों और महिलाओं के लिए पानी की तो व्यवस्था होना ही चाहिए, जिस हिसाब से इन लोगों ने इंदौर में बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया रंगारंग कर्म किया कि MP का फर्स्ट नंबर इंदौर जिंदाबाद। MP का इंदौर नंबर वन है, और खास तौर पर पूरे देश में अब इंदौर जाने लगा है, और सिर्फ ना सिर्फ सफाई के लिए, ना सिर्फ ऐसी जो व्यवस्थाओं के लिए, लेकिन जब उत्साह की बात आती है, उत्सव प्रेमी इंदौरी कहलाते हैं, और उनका उत्साह, भैया जी क्या कहेंगे आप, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए, कितना सुरक्षित फील कर रहे हैं आप इस यात्रा में? बहुत अच्छा सुरक्षित फील कर रहे हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे जो एकलव्य लक्ष्मण सिंह जी गौड़ के द्वारा जो ये जो इस टाइप की फाग यात्रा और इसमें अरे इस टाइप का जो जो त्यौहार का होता है उसका हमको भरपूर इंजॉय करते हैं, खूब मजा आता है। अभी माननीय कितने सालों से आ रहे हैं मैडम? बहुत सारे साल हो गए, मतलब 10-20-25 साल से तो आ ही रहे। बेटा कैसा लगा आपको? बोलो कैसा लगा बेटा? बहुत अच्छा लगा मुझे होली।
जय श्री राम। भैया आप अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना, क्योंकि फीमेल्स है, बच्चे हैं, कितना सेफ फीलिंग करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से सेफ फीलिंग होती है। सेकंड चीज है, आज की जो परंपराएं जो धीरे धीरे नष्ट आ रही है, आज बच्चों को हम नहीं लाएंगे तो वो लोग कैसे सीखेंगे, आगे कैसे बढ़े, तो उन्हें भी ये सारी चीजें दिखाना बहुत जरूरी है ताकि ये परंपराएं जो निरंतर चलती रहे। बहुत साल से इंदौर में लगातार ये जो गैर उत्सव संचालित किया जा रहा है, आप इसको किस तरह, बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, घर के बुजुर्ग चाहते हैं कि वो गैर में शामिल हो, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? दादा लक्ष्मण सिंह गौड़ ने इंदौर की रंग पंचमी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और हम इसी क्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ बरसों बरस से दादा ने जो रंग पंचमी यहाँ पे मनवाई है वो पूरे देश में कहीं नहीं मनती, सिर्फ हिंदुस्तान में 3-4 ही ऐसी जगह है जहाँ पे रंगों का त्योहार इस कदर इस उत्साह से खेला जाता है। वो प्रशासन इतना सख्त है कि यहाँ पर महिलाएं अपने आप को देवी अवतार रूप करके आती है, पुरुष अपने आप को राम राज्य में राजा महसूस करते हैं। कितना बेटर फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा है। यहाँ पर लोगों का जो उत्साह है वो चरम पर है, होली के रंग बरस रहे हैं, बौछारें हो रही है, हर कोई चाहता है उस उत्सव में शरीक होना। लेकिन खास बात मैं आपको ये बता दूं कि होली के जो रंग बरस रहे हैं ये सिर्फ इंदौर में रंग पंचमी पर इस कदर बरसते हैं, लेकिन पूरे इंडिया में चाहे वृंदावन हो चाहे मथुरा हो, जगह जगह पर प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है, लेकिन इंदौर की होली जो है वो अलग होती है, लेकिन जो गैर है वो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 72 वर्षों से लगातार गैर उत्सव मनाया जा रहा है और ये फाग उत्सव लगातार 27 वर्षों से इंद्रक्षक अपनी कमान संभाले हुए इसे और भव्य तौर पर सजा चुका है और हर बार